मैं हूँ पेनी और मैं ड्रैगन टाइप पोकेमोन की बहुत बड़ी फैन हूँ. लाइक सो हे द बॉयज एंड गर्ल्स, तो कैसे हैं आप लोग. तो आज हम फिर से एक बार खेलने वाले हैं पोकेमोन अनबाउंड. तो पोकेमोन अनबाउंड की जर्नी में पिछली बार हमने तीन इलाइट फोर को हरा दिया था. वेल मैं इलाइट फोर क्यों बोल रहा हूँ, वो तो इलाइट थ्री ही हो गए ना. वेल तो आज के इस एपिसोड में हम लास्ट इलाइट को हराएंगे एंड हम बन जाएंगे एक पोकेमोन चैंपियन. वेल तो वो लास्ट चैंपियन और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन टाइप मास्टर है. लेट्स गो. हे मैं हूँ पेनी और मैं ड्रैगन टाइप पोकेमोन की बहुत बड़ी फैन हूँ. लाइक वो कितने कूल होते हैं, उनकी टेल, उनके विंग्स और उनकी फायर ब्रेथिंग मुझे बहुत पसंद है. क्या तुम मुझ पे बिलीव नहीं करते? कम ऑन, चलो मैं तुम्हें प्रूफ कर देती हूँ. ओके लेट्स सी बॉयज एंड गर्ल्स, चलो देखते हैं कि ड्रैगन टाइप बहुत ज्यादा ताकतवर है, वी ऑल नो, पर मैं उनको हरा पाता हूँ या फिर नहीं. चलो शुरू करते हैं. तो शायद से ये डबल टीम मैच होने वाली है ऑफ कोर्स, एंड सामने चार पोकेमोन है, मेरे पास है छह पोकेमोन, तो आई थिंक इट विल बी इजी. तो सामने वाला पोकेमोन है टायरेंट्रम और गुड्रा. तो आई थिंक कि मुझे पहले ही आइस बीम एंड ब्लिजर्ड से शुरुआत कर देनी चाहिए क्योंकि आसानी होगी हमें सारे पोकेमोन को हराने के लिए. लेट्स गो आइस बीम एंड यूज़ करते हैं ब्लिजर्ड इन पर, वो भी मेगा इवॉल्व करके. हाँ, मेगा बर्मस्नो इनको हरा देगा. लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होगा. ओके मैंने मेगा इवॉल्व कर लिया है अपने बर्मास्नो को, एंड देखो यार कितना कूल दिखता है. उसके पीठ से जो क्रिस्टल निकलते हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड आइस बीम से कितना डैमेज होगा? ओके ज़्यादा डैमेज तो नहीं हुआ. वेल इसको ज़्यादा ही कहते हैं, बट मेरे लिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि एक ही बार में पोकेमोन को हराना अच्छा होगा. अगर नहीं मैं हरा पाऊँगा तो फिर मुझे फुल रिस्टोर पूरा वेस्ट करना पड़ेगा. कोई बात नहीं. ओह नो, इतना ज़्यादा डैमेज ले लिया है हमारे पोकेमोन्स ने. सिर्फ ब्लिजर्ड मिस नहीं होनी चाहिए. ओके हेल यानी कि हेल स्टॉर्म हो चुका है यहाँ पे, एंड नाइस, ये हमारे लिए एक एडवांटेज होगा क्योंकि इससे उनकी हेल्थ भी कम होती रहेगी. एंड बॉयज एंड गर्ल्स देखो यार कितनी सारी हेल्थ कम कर दी है इन लोगों ने. लगता है कि मुझे फुल रेस्टोर यूज़ करना ही चाहिए. तो चलो स्नो, तुम फुल रेस्टोर से फुल हील हो जाओ. यप फुल हील, बट फुल हील तो अलग है जिससे हम स्टेटस रिमूव कर सकते हैं. पता नहीं कि फुल हील क्यों रखा है जबकि फुल रेस्टोर है ऑलरेडी. तो चलो शुरिकन को भी हमने फुली हील कर लिया है, तो अब हम हरा सकते हैं इन दो पोकेमोन्स को. वेल उसने भी अपने पोकेमोन को फुली हील कर लिया है यार, ऐसे तो मैच सामने जाएगा ही नहीं. ओके रॉक स्लाइड से ज़्यादा असर नहीं हुआ, पर हमें कौन सा अटैक यूज़ करना चाहिए? चलो देखते हैं. मुझे लगता है कि मुझे आइस बीम से ही सामने जाना चाहिए. वेल बट आइस बीम से पूरा पोकेमोन मतलब कि उसकी पूरी हेल्थ जानी चाहिए तभी काम आएगा, वरना आइस बीम ज़्यादा काम नहीं आ रहा है. तो चलो यूज़ करते हैं आइस बीम इन दोनों पोकेमोन में से एक पोकेमोन पर. ओके मैंने यूज़ कर दिया है टायरेंट्रम पर आइस बीम, एंड चलो यूज़ करते हैं ब्लिजर्ड. ब्लिजर्ड तो दोनों पोकेमोन को लगेगा. मैंने टायरेंट्रम पर इसलिए यूज़ किया था क्योंकि वो रॉक एंड ड्रैगन टाइप पोकेमोन है, एंड जैसे कि मुझे लगा था वो हार चुका है. नाइस यार, एंड बैटल बॉन्ड की मदद से हमारा शुरिकेन अब बन चुका है रेड आर्क शुरिकेन, ना कि अमन शुरिकेन. तो चलो हमारा 71 लेवल पर पहुँच चुका है एम्बोर यानी कि फ्लेम, एंड ड्रैगन ब्रिज से पैरालाइज हो चुका है. वाओ लिटरली यार यही तो मैं नहीं चाहता था. ब्लिजर्ड से प्लीज हार जाए, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो. अब स्नो, ओके हमने हरा दिया है गुड्रा को भी. नाइस यार, हम तो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज में पहुंच चुके हैं. हमने सिर्फ दो पोकेमोन की मदद से उसके दो पोकेमोन हरा दिए हैं. हमारे और भी चार पोकेमोन बाकी हैं एंड उसके सिर्फ दो पोकेमोन. लिटरली अमेजिंग. चलो देखते हैं कि कौन सा पोकेमोन आने वाला है हमारे सामने. एक कमो ओ, एंड दूसरा पोकेमोन कौन सा है? दूसरा पोकेमोन है सेप्टाइल. हे ये कहाँ से ड्रैगन टाइप पोकेमोन हो गया? हाँ वेल ये कैसे हो सकता है? हाँ कोई बात नहीं, मैं फिर भी आइस बीम का इस्तेमाल करूँगा कमो ओ पर. एंड कमो ओ नहीं गया यार, नहीं गया. ओके फ्रोजन हो चुका है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है. तो गीगर ने यूज़ कर दिया है. वाओ लिटरली हमारा शुरिकेन तो गया. यप मुझे पता था हमारा शुरिकेन हार चुका है. कोई बात नहीं शुरिकेन, तुमने बहुत अच्छा काम किया. तो अब किसको चूज किया जाए? वेल फ्रोजन हो चुका है तो यप कमो ओ बाय बाय, तुम्हारा सफर यही तक था, बहुत अच्छे मित्र. गया कमो ओ और गया सेप्टाइल.
एंड हमारे अबामुसनों ने डायरेक्टली बैटल ख़त्म कर दी है, लिटरली बैटल ख़त्म हो चुकी है। नाइस यार, हमने हरा दिया है लास्ट इलाइट फोर को, तो अब हम बन चुके हैं चैम्पियन। या बॉय, मुझे अब नाचने का मन कर रहा है, क्या करूँ अब मैं। चलो नाचते हैं। बेली से नागिन निकाली, मुन्ना पर डोला अलगला। बेली से नागिन निकाली, मुन्ना पर डोला। भाई, मेरे को जोक सपाट। चलो देखते हैं कि पेनी क्या बोलती है। वाओ, लगता है तुमने एलाइट फोर के सारे मेंबर्स को हरा दिया है। अब बस तुम्हें सेंट्रल डोर से जाना है और हॉल ऑफ फेम में अपना नाम रजिस्टर करना है। तब तक मैं ड्रैगन कॉन जा रही हूँ ताकि मैं और कुछ ड्रैगन टाइप सामान ले सकूँ। क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए? नो थैंक्स पेनी, बस अब मुझे एक चीज चाहिए जो है चैंपियनशिप का टाइटल, एंड वो अब मुझे मिल के रहेगा क्योंकि अब हम जीत चुके हैं। पर उससे पहले मैं अपने पोकेमॉन को फुली हील कर लेता हूँ क्योंकि ये लोग डिजर्व करते हैं। यानी कि सिर्फ एक ही पोकेमॉन फेंट हुआ था, वेल मुझे हील भी नहीं करना चाहिए था, पर फिर भी हील कर लेते हैं। क्या पता एक ही लोग वापस आ जाए एंड हमें चैम्पियन बनने से रोक ले। पता नहीं यार, कुछ भी हो सकता है इस गेम में। कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना अच्छा गेम हो कैसे सकता है यार। वेल, ये गेम बहुत ही ज़्यादा ऑसम है यार। पता नहीं कि इस स्टोरी में और क्या होने वाला है। तो चलो यार, जल्दी से चलते हैं। मैं अपने क्रंच को सामने रख देता हूँ क्योंकि वो बीच में आना चाहिए एंड ग्रेनिंजा सेकेंड नंबर पर आना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पिछली पोके क्विज के विनर्स ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो है लाइटनिंग ज़ेरोरा, माधुरी सरपाटी और इन्फिनिटी डियाल्गा, और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की शक्ति के साथ बिल्कुल गोकू समान कह सकते हैं, साइतामा समान, ये आए हैं फर्स्ट, जिसका नाम है ब्रो बीस्ट गेमर। और जिन्होंने अच्छा सपोर्ट दिखाया वो है पोके आइडल, पोके गेमर और पृथ्वीराज सरकार। वेल, अगर आपको भी ऐसे ही शाउट आउट चाहिए तो या तो पोके क्विज का आंसर आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा, या फिर फर्स्ट आना पड़ेगा, या फिर सबसे बढ़िया आइडिया, आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल इन तीन बंदों की तरह। आज का पोके क्विज वीडियो के बीच में कहीं भी हो सकता है, तो ध्यान रखना यार। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस तरह इसे अरेंज कर रहा हूँ क्योंकि हॉल ऑफ फेम की पिक्चर पर वैसे ही अरेंज होते हैं जैसे कि हमने अपने पोकेबॉल की अरेंजमेंट रखी है। वेल, तो हमने अरेंजमेंट पूरी कर ली है, तो अब हम जा सकते हैं एंड हासिल कर सकते हैं अपने चैंपियनशिप का टाइटल, क्योंकि वॉरियर सीजन का कोई भी चैंपियन नहीं है, हमें बस इलाइट फोर को हराना था। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, हे, यहाँ पर सुगंध आ रही है चैंपियनशिप के टाइटल की, क्योंकि अब मैं चैंपियन बन चुका हूँ। मैंने यहाँ पर गेम को सेव कर लिया है, मैं रिस्क नहीं उठाना चाहता बिल्कुल भी, इसलिए मैंने सेव कर लिया है अपने गेम को। तो चलो यार, आगे चलते हैं। एंड ये रहा वो रूम। हे, साइगार्ड सेल, मैं इसे मिस कर देता यार। 32% कंप्लीटेड, नाइस। चलो चलते हैं हॉल ऑफ फेम में, लेट्स गो। रुक जाओ, अभी कौन बीच में आ गया? ओह, जैक्स। ऋषि, आखिरकार मैं तुम्हारे तक पहुंच ही गया। बहुत लो फील कर रहा था जब से एक्लव मेरे साथ नहीं है, और अब मैं तुम्हारे तक पहुंच चुका हूं, इसलिए अब मैं काफी बेटर फील कर रहा हूं पहले से। पर तुम इधर क्या कर रहे हो जैक्स? मैं इधर क्यों हूं? वेल, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि जो ग्रैंडपा ऑथर थे वो चैंपियन ऑफ वॉरियर्स थे, लेकिन जब से वो रिटायर हुए हैं चैंपियन की जो सीट है वो वापस खुल चुकी है लेने के लिए। इस पूरे समय ग्रैंडपा ऑथर मुझे ट्रेन कर रहे थे ताकि मैं उनकी जगह ले सकूं और मैं ईविल से फाइट कर सकूं, और मैं पक्का कह सकता हूं कि प्रोफेसर लॉग ने भी तुम्हें इसलिए भेजा है। उनके और ग्रैंडपा ऑथर के बीच में थोड़ी बहुत राइवलरी रहती थी, लेकिन प्रोफेसर लॉग कभी भी उनको एक भी बैटल नहीं हरा पाए। लेकिन हाँ, ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार चैलेंजर ढूंढा है जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। इस बैटल में मजे आने वाले हैं, और चीजों को और मजेदार बनाने के लिए हम ये बैटल 2-on-2 करेंगे। तुम रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। सो यार, ये हमारी फर्स्ट बैटल है। यप, पहली बार बैटल कर रहा हूँ मैं जैक्स से, एंड वो भी चैंपियनशिप बैटल के लिए। लिटरली यार, पहली बार इससे बैटल कर रहा हूँ एंड मुझे सिर्फ एक ही पोकेमॉन मालूम है इसका, एंड बाकी के पोकेमॉन नहीं मालूम। एंड बैटल होने वाली है डबल टीम मैच, एंड इसके पोकेमॉन की लेवल देखो, लिटरली 73 लेवल के पोकेमॉन कौन रखता है यार।
वेल मेरी भी पोकेमोन 79 लेवल के है, वो बात अलग है, बट इसको हराना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। तो चलो यूज़ करते हैं क्रंच, वो भी गोलर्क पर, क्योंकि वो एक घोस्ट टाइप पोकेमोन है। एंड चलो यूज़ करते हैं आइस बीम मॉन्स्टर रैप्टर, लेट्स सी कि कितना डैमेज होता है। मैंने मेगा इवॉल्व कर लिया है अपने गार्चॉम्प को गार्चॉम्प में, यानी कि मेगा गार्चॉम्प, एक ऐसी शार्क जिसने तैरना छोड़ दिया है अब वो ज़मीन पर रहती है। नाइस, तो चलो स्टार रैप्टर तो गया। नाइस यार, हमने इसका मेन पोकेमॉन हरा दिया है। वेल इसका वो मेन पोकेमॉन था भी या फिर नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उड़ने के लिए इस्तेमाल करता होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, क्रंच और शुरिकेन पूरे पोकेमॉन को हरा सकता है। लेट्स सी यार, क्या हम इसकी पूरी टीम को सिर्फ दो पोकेमॉन से उड़ा सकते हैं। लेट्स सी, हॉर्स पावर कर दिया है पर शुरिकेन ने अवॉइड कर दिया। नाइस, तो नेक्स्ट पोकेमॉन है मैग्नेसोन। वाओ, एक बहुत ही अच्छा स्टील और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन, एंड मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होने वाला है। तो चलो अब मुझे क्या यूज़ करना चाहिए मैग्नेसोन पर। वेल एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है तो मुझे लगता है कि अपने पोकेमॉन को हटाना अच्छा होगा, बट नहीं, मैं अपने शुरिकेन को वापस नहीं ले बना, क्योंकि मेरा शुरिकेन बहुत ज़्यादा ताकतवर है एंड मैं एक भी मूव वेस्ट नहीं कर सकता। एंड इससे पहले कि शुरिकेन पेंट हो, वो सारे के सारे पोकेमॉन हरा सकता है। तो चलो मैं यूज़ करता हूँ आउटरेज, वो भी मैग्नेसोन पर। एंड यूज़ करता हूँ मैं क्या यूज़ करें, ओके यूज़ करते हैं डार्क पल्स, वो भी गोलर पर, लेट्स गो। एंड मुझे पता है कि गोलर अब नहीं बचने वाला। नाइस, हमने हरा दिया है गोलर को, एंड हमारा क्रंच हरा देगा मैग्नेसोन को भी। लेट्स गो क्रंच, तुम ये कर सकते हो, दिखा दो अपनी क्रंच का पावर। वेल मैंने क्रंच को तो हटा दिया था शायद से, कोई बात नहीं, यूज़ करते हैं आउटरेज। एंड लेट्स सी, क्या नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, ओ नहीं 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 यार, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। उसके पास एक बलून था जिसकी मदद से वो, मतलब कि उसका डिफेंस बढ़ गया था, आई डोंट नो कि क्या हुआ, बट वो बलून अब फट चुका है। इसका मतलब कि अब मैग्नेसोन कमज़ोर हो चुका है, तो हमारा रे बदला लेगा हमारे शुरिकेन का। लेट्स गो क्लोज कॉम्बैट एंड लेट्स सी कि मैग्नेसोन अब बच पाएगा या फिर नहीं। यप, हमने हरा दिया है मैग्नेसोन को, एंड नया पोकेमॉन आ चुका है जो कि है गैस्ट्रोडॉन। वेल इसके पास बहुत ही ओपी पोकेमॉन है यार, लिटरली जो पोकेमॉन मुझे पसंद है बैटल के लिए वो पोकेमॉन तो इसके पास है ही। वेल मैग्नेसोन मैंने हमेशा से सोचा था कि एक पकड़ूंगा, बट मैं कभी इवॉल्व नहीं कर पाया मैग्नेटॉन को मैग्नेसोन में, क्योंकि उसको मैग्नेटिक वैली में या फिर कहीं ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर मैग्नेटिक रेज या फिर कुछ ऐसा टाइप का आता हो, एंड वहाँ पर हम मैग्नेटॉन को इवॉल्व कर सकते हैं मैग्नेसोन में। एंड नया पोकेमॉन आ चुका है जो कि है सेलेमेंस। वेल लिटरली मैं बिल्कुल भी अमेज नहीं हुआ, क्योंकि ये ट्रेनर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसका स्ट्रैप्टर यानी कि मरते मरते बचा यार, मरते मरते लिटरली वहाँ पर एटम बॉम्ब जितना बड़ा गड्ढा हो चुका था या फिर क्या हो चुका था आई डोंट नो, पर सारे के सारे स्टेयर्स टूट चुके थे लिटरली, तो उस जगह पर उसका स्ट्रैप्टर बच गया यानी कि इसका सेलेमेंस। वाओ यार, क्या तुम मजाक कर रहे हो, लिटरली यार मुझे लगा कि इसके पास सेलेमेंस है, तो चलो किसी तरह इसको हरा देते हैं। बट ये तो मेगा इवॉल्व भी कर चुका है यार, एंड हमारा रे भी हार चुका है। नाइस, इसका मतलब है कि हम हारने वाले हैं आई थिंक। यप, हमारा स्नो तो बच गया, अच्छा हुआ। ओके, बट डिफेंस कम हो चुका है, वो भी स्पेशल डिफेंस कम हो चुका है यार, लिटरली यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो चलो अब हमें किसको चूज़ करना चाहिए, सामने है सेलेमेंस और मेरे पास है स्नो, जिसकी मदद से हम ब्लिजर्ड की मदद से हरा सकते हैं इस मेगा इवॉल्व सेलेमेंस को। लेट्स गो हुपा, अब तक तो तुमने कुछ नहीं किया, बट अब वक्त आ चुका है तुम्हारे एले हुपा रिंग्स का कमाल दिखाने का। लेट्स गो शैडो बॉल, हा, लेट्स सी कि कितना डैमेज होगा। हाइपर बीम कर दिया है, एंड हुपा तुम ये कर सकते हो, मुझे पता है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हुपा हुपा, यप नाइस, लेट्स गो शैडो बॉल, एंड या बॉय हमने हरा दिया। नहीं यार, ओके ब्लिजर्ड कर दिया है जिसकी मदद से दोनों पोकेमॉन को डैमेज पहुंचेगा। ओपी यार, ओपी लिटरली ओपी, एंड गया सेलेमेंस। वाओ, हमने मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को हरा दिया है बिना मेगा इवोल्यूशन की ताकत से, एंड हमने गैस्ट्रोडॉन को भी हरा दिया है। देखते हैं कि नेक्स्ट पोकेमॉन कौन से होने वाले हैं। आई थिंक कि लास्ट के दो पोकेमॉन या फिर एक ही पोकेमॉन बचा है, या फिर हमने सारे पोकेमॉन को हरा दिया है, आई डोंट नो यार, मैं बैटल में इतना घुल मिल चुका था कि मुझे पता ही नहीं कि मैंने कितने पोकेमॉन हरा दिए हैं। तो चलो यार, देखते हैं कि कौन से पोकेमॉन आने वाले हैं, अगर हैं तो लेट्स सी। ओके ओके, एक ही पोकेमॉन बचा है एंड वो है पायरोर। ओके, इसको हराना तो बहुत आसान होगा,
बट मुझे लगता है कि स्नो इसे नहीं हरा पाएगा क्योंकि वो एक फायर टाइप पोकेमॉन है। ओके जैक्स अभी भी तैयार है हमारे साथ फाइट करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं अपने अब्दामा स्नो को वापस ले लेता हूँ एंड बुला लेता हूँ अपने नेक्स्ट पोकेमॉन को, क्योंकि एम्पॉर को तो मौका मिला ही नहीं यार। पर फिर भी हम क्रंच को चुनेंगे। लेट्स गो शैडो बॉल या फिर ड्रेन पंच। ओके ड्रेन पंच का इस्तेमाल करेंगे। वापस आ जाओ स्नो, तुमने बहुत अच्छा किया। तो चलो देखते हैं हाइपर वॉइस। नहीं ब्रो प्लीज़। ओके बच गया हमारा क्रंच, बट उपा तो गया, कोई बात नहीं। उपा तुमने बहुत अच्छा किया, एक पोकेमॉन को हराने में तुम कामयाब नहीं रहे बट उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ तुमने डाउन की थी, बहुत अच्छे उपा। तो चलो अब हम बाहर निकालते हैं अपने लास्ट पोकेमॉन को जो कि है एम्बोआर, हमारा प्यारा प्यारा फ्लेम जो कि हमें टेपिक के रूप में मिला था। तो चलो देखते हैं कि क्या हम हरा पाएंगे या फिर नहीं इस लास्ट पोकेमॉन को। हेड स्मैश, लेट्स गो। हाइपर वॉइस कर दिया है। ओके बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँच रहा है यार हाइपर वॉइस से। ओके आउटरेज, नाइस नाइस हेड स्मैश, लेट्स गो। नहीं यार अवॉइड कैसे कर लिया उसने, ये कैसे हो सकता है, हमारा क्रंच नहीं आना चाहिए। ओके हेल की मदद से आखिरकार हमने हरा दिया है पायरोट को। हमारे तीन पोकेमॉन बचे हुए हैं एंड जैक्स की हमने सारे पोकेमॉन हरा दिए हैं। नाइस, इसका मतलब है कि हमने जैक्स को हरा दिया है तो अब हम बन सकते हैं एक पोकेमॉन चैंपियन, यानी कि बोरियस रीजन के चैंपियन। हम बन चुके हैं बोरियस रीजन के चैंपियन यार, देखो कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा है हमें जैक्स। ये बहुत ही शानदार बैटल थी ऋषि, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं क्राउनिंग ऑफ वॉरियर्स न्यू चैंपियन में पार्ट ले पाया। अब प्लीज एक बार मेरे साथ आओ, अब हम उस जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पे सिर्फ चैंपियंस जा सकते हैं। लेट्स गो, चलो चलते हैं जैक्स के पीछे, हम बन चुके हैं चैंपियन यार। ये रूम है हॉल ऑफ फेम का, काफी टाइम हो चुका है मुझे इस रूम में आए हुए। ग्रैंडपा आर्थर मुझे इस रूम में लाए थे जब मैं छोटा था। एनीवे स्वागत है तुम्हारा हॉल ऑफ फेम में ऋषि, तुम्हारा नाम इस हॉल ऑफ फेम में लिखा जाएगा। यहाँ पे जो तुम छोड़ रहे हो वो और कुछ नहीं तुम्हारी जर्नी की यादें हैं। फाइनली वक्त आ गया तुम्हारा और तुम्हारे पोकेमॉन का नाम लिखने का। ध्यान रखना तुम्हारे पोकेमॉन तुम्हारी जर्नीज के बहुत ही अहम पार्टनर्स हैं, जिनकी ग्रोथ भी तुम्हारे साथ हुई है और तुमने बहुत सारी हार्ड बैटल्स भी लड़ी हैं एक साथ। ये मशीन तुम्हारी अचीवमेंट का एक परमानेंट रिकॉर्ड रख लेगी। सो बॉयज एंड गर्ल्स, आखिरकार मेरे पोकेमॉन और मैं रजिस्टर हो चुके हैं हॉल ऑफ फेम में, वो भी पोकेमॉन अनबाउंड के इस गेम में। वेल ये चीज़ होने में बहुत 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 ज़्यादा देर लगी है यार, इसलिए अंदर से मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। देखो यार सारे के सारे पोकेमॉन लेवल 76, 79, लेवल 72, 69, ओके 69, 72 और 69, नाइस। तो ये रहे हमारी फाइनल टीम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने इसे कैजुअल डिफ़िकल्टी में ख़त्म कर दिया है। वेल मेरा मन कर रहा था कि मैं डिफ़िकल्ट लेवल पर ही खेलूँ बट मैंने कुछ तो भी गड़बड़ कर दिया था जिसकी वजह से ये कैजुअल पर अटक गया था। तो हम बन चुके हैं बोरियस के चैंपियन। वेल तो हम बाहर आ चुके हैं। ओह ये तो मोल मैन है, नाइस। शायद से सारे के सारे इलाइट फोर हमें यहाँ पर कॉन्ग्रेट्स कहने के लिए आए हैं। ओके ये रहा वो घोस्ट टाइप वाला इलाइट फोर, इसका नाम क्या था यार मैं भूल गया, कोई बात नहीं। लेट्स सी नेक्स्ट है ये क्यूटी पाई वाली इलाइट फोर, बाप रे इतना ज़्यादा क्यों कूद रही थी वो। और ये रही पेनी, इसको ड्रैगन टाइप को ज़्यादा ही पसंद है। और ये रहा जैक्स। तो चलो यहाँ से चलते हैं यार, आखिरकार हम चैंपियन बन चुके हैं तो हम यहाँ पर फिर से कभी आ सकते हैं। तो आखिरकार इसी को देखने के लिए मेरी आंखें तरस नहीं रही थी, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं देखना था यार। अगर आप एक गेम स्टार्टिंग में शुरू करते हैं एंड वो एंड हो जाता है एंड आपको जब क्रेडिट्स नज़र आते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि भाई क्या कर रहे हैं हम, ये गेम कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए था। मतलब कि जितना मज़ा आपको खेलने में आता है ना जब क्रेडिट्स देखते हो ना अंदर से, उतना ही फील होता है कि काश ये गेम और भी ज़्यादा बड़ा होता। पर अनफॉर्चुनेटली ये गेम अब ख़त्म हो चुका है। आई होप कि अब यहाँ पर सिर्फ लेजेंडरी हंटिंग बची हो तो हम उसे भी कंप्लीट कर लेंगे एंड फाइनली गेम पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हैं कुछ क्रेडिट्स जिन्होंने मिलकर ये गेम बनाया था, ऑसम वाला गेम। थैंक यू एवरीवन फॉर मेकिंग सच अ ब्यूटीफुल गेम। यप ये गेम बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। तो यहाँ पर बहुत सारे इसमें स्केली का नाम है, ऑफ़ कोर्स ये गेम ही उसका ही है शायद से।
इतने सारे नाम हैं यार, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। आप देख लेना यार इन सब को, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस गेम को बनाया है। वेल, सभी के सभी सिटीज़ दिखाए जा रहे हैं जहाँ पर मैं गया था। वेल, इनसे बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हैं मेरी, एंड मुझे धीरे धीरे पूरा गेम याद आ रहा है यार। मतलब कि मैंने इस गेम को शायद से 6 महीने पहले या फिर 4 महीने पहले शुरू किया था, आई डोंट नो, बट बहुत पहले शुरू किया था यार। एंड इसे ख़त्म करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा देर लगी, क्योंकि बीच में मैं बहुत ज़्यादा इनएक्टिव था, एंड अभी भी इनएक्टिव हूँ, एंड आगे भी रह सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हूँ यार मैं फ़िलहाल तो। बट जब मैं बिज़ी नहीं रहूँगा ना, यानी कि जब मेरे पास फ्री टाइम होगा, तब देखना वीडियो की बारिश होगी बारिश। बट ये कब होगा मुझे भी नहीं मालूम लिटरली। यार इन सब जगह को देख के मन कर रहा है कि इस गेम को मैं डबल से खेलूं, बट डबल खेलने से क्या फ़ायदा, आपके साथ तो नहीं खेल पाऊंगा ना मैं। वेल, इस जर्नी में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इस सारे सिटीज़ को देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका था। या बॉय, बहुत ही अमेजिंग सिटीज़ एंड ग्राफिक्स थे इस गेम के। आई डोंट नो कि इससे बेहतरीन गेम और कौन कौन से हैं, आई थिंक ये बहुत सारे गेम हैं एंड हम उन्हें भी ट्राई करेंगे। जल्द से जल्द बताओ यार नए गेम का नाम, क्योंकि ये गेम तो ख़त्म हो चुका है, इसके सिर्फ 2 ही एपिसोड बाकी होंगे। और शाइनी हंटिंग 2 एपिसोड यानी कि इस गेम के पोस्ट क्रेडिट सीन या फिर पोस्ट गेम हो ही सकता है प्रोबेबली, तो हम उसे खेलेंगे ज़रूर से। तो यप, यही थे सारे के सारे क्रेडिट्स। आई थिंक कि क्रेडिट्स अभी ख़त्म हो चुके हैं। पोकेमोन स्प्राइट्स, यप, जो कैरेक्टर्स थे यानी कि डिज़ाइन था वो तो बहुत ही अमेजिंग था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड पोकेमोन फायर रेड को ही इन्होंने बदला एंड इस टाइप के गेम को बना डाला यार, सिर्फ पोकेमोन फायर रेड के डिज़ाइन यानी कि या फिर मैप की मदद से। आई थिंक सिर्फ पोकेमोन फायर रेड को इन्होंने हैक किया एंड ऐसा गेम बनाया। चलो फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं इस सारे के सारे क्रेडिट सीन को, एंड डायरेक्टली मिलता हूँ मैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हमें कुछ ना कुछ मिले या फिर कुछ दिखाने लायक हो। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए सायनारा एंड बाय बाय, क्योंकि अगले एपिसोड में और भी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है इस गेम में। यप, ये गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जस्ट ये एक शुरुआत है एक रहस्यमय जर्नी की, जिसमें हम बहुत कुछ करने वाले हैं।